जो एक फैक्ट्री का एक हादसा जो सामने आया है, विजय कुमार सुंभ का रहने वाला था, उसकी मौत हो गई। मुझे विधवा को अभी फैक्ट्री की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हमारी शिवसेना की तरफ से मांग थी इस औरत को, सुजाता देवी को, फैक्ट्री में लय में नौकरी दी जाए। और ये जो बच्चे दो रह गए हैं, इनके बच्चों के लिए भविष्य के लिए 5 लाख की एफ डी बनाई जाए, ताकि ये बच्ची लड़की जो जब बड़ी होगी, इनकी शादी के लिए इस विधवा को दादा खज्जल ना होना पड़े। हमारी मांग थी कि 5 लाख रुपये की एफ डी इस बच्ची को और इस औरत को, सुजाता देवी को, फौरन तौर नौकरी दी जाए। अगर फैक्ट्री वाले हमारी डिमांड को नजरअंदाज करेंगे, जहाँ इसको नहीं सुनेंगे, तो 72 घंटे के अंदर अंदर हम ये मांग रखते हैं, 72 घंटे के बाद हमारी अपनी जो पार्टी है शिवसेना, उसमें जो डिसाइड होगा, उसके लिए हम जो ना प्रदर्शन करेंगे, फैक्ट्री के बाहर भी करेंगे, फैक्ट्री भी बंद करेंगे, चौक भी बंद करेंगे, जो हमसे हुआ वो इस वोट के लिए हम पुरजोर इसकी मदद करेंगे, ताकि जो बच्चे जो रह गए हैं, इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई ना कोई इंतजाम हो जाए। जय हिंद, क्या बात है। लेट श्री विजय कुमार की हूँ, जो अन्न प्रोडक्ट में स्टोर सुपरवाइजर थे, उनकी लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी 14/11/2017 को डेथ हो गई है। मैं बार बार फैक्ट्री से कंप्लेन करती है कि मेरे बच्चों को श्योरिटी दो, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उनकी जो सैलरी बनती थी उन्होंने मुझे वही दी है, और कहते हैं कि हम 50,000 रुपये इकट्ठा करके आपको कंपनी की तरफ से दे देंगे। मुझे 50,000 की क्या ज़रूरत है? मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की बड़ी होकर मुझे तब किसी चीज़ की परेशानी ना हो, जो इनके दोनों को बच्चों को देख कर इनके नाम पर 5 लाख की एफ डी जो मेरी लड़की के नाम कर दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे उनकी जहाँ नौकरी चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं BSc हूँ, मुझे लैब असिस्टेंट में लैब की नौकरी चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ, और मैं कुछ नहीं जाती। और मैं ये कंप्लेन लेके SSB के दफ्तर भी गई थी, उन्होंने भी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैं उनके खिलाफ भी बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि एक लड़की औरत अपनी कंप्लेन लेके उनके पास जाती है, तो उनको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही चाहिए। जो सर ने कहा कि हम 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर वो अपनी सोच लें कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये मैं पूरा अपना सहयोग प्रधान सर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा जो साथ दिया, और मीडिया का भी शुक्रिया करती हूँ।